उस असभ्य सूत पुत कर्ण के सामने दुर्योधन से कहना कि यदि उसने इंद्रप्रस्थ नहीं लौटाया तो रणभूमि में किसी सूखे हुए वृक्ष की भांति कटकर गिरा हुआ दिखाई देगा। महादेव की सगंध जब मेरे वाणों की वर्षा होगी तो अग्नि बरसेगी और वो अग्नि कुरु सेना और सेनापतियों को यूं चलाकर भस्म कर देगी जैसे ग्रीष्म ऋतु सूखी हुई घास को जलाकर राख कर देती है। चाल चली गुरु द्रोण करेंगे सेनापति बंदी हुई युधिष्ठिर कौर का फिर युद्ध जीतने की नीति पर ज्येष्ठ पांडव को घेरे हुए अर्जुन तत्पर खड़ा हुआ हर योद्धा के मस्तक पर वो तलवार बन के अड़ा हुआ। फिर द्रोण ने पांडु सेना में फिर ऐसा तांडव नृत्य किया सेना का साहस भूल गया जीवंत को जैसे मृत किया। देख के सेना की हालत फिर अर्जुन क्रोध से लाल हुआ कृष्णा का बजा पंचजन्य अर्जुन का रूप विकाल हुआ। गांडीव उठा अर्जुन दौड़ा तीरों के पीछे तीर चले गुरु द्रोण का रथ भी टूट गया और गिरा दिए माटी के तले। तब कहे द्रोण हे दुर्योधन मैं उससे पार न पा सकता अर्जुन के होते धर्मराज को बंदी नहीं बना सकता। संसार की कोई भी सेना उस सेना को नहीं हरा सकती जिसकी ओर से अर्जुन युद्ध कर रहा हो। अर्जुन को मुझ पर छोड़िए आचार्य। ना भड़काओ अपने मित्र दुर्योधन को ना भड़काओ। तुम हो ही क्या और हम सब मिलकर भी अर्जुन का सामना नहीं कर सकते। उस विराट युद्ध में तुम भी थे और मैं भी था और तुम्हारा ये मित्र दुर्योधन भी था जो आज इस सभा में बैठ कर ये टींगे मार रहा है कि वो अर्जुन की जीवा काट कर अपने धनुष की प्रत्यंचा बना लेगा। सुधर्मा ने सबको ये विपदा में सुलझाऊंगा मैं युद्ध करूंगा अर्जुन से और दूर तलक ले जाऊंगा। इस युद्ध भूमि के मंजर से कौर भी खुशी से चूर हुए बस जीत दिखाई देती थी धर्मराज से अर्जुन दूर हुए। अर्जुन के जाते गुरुवर ने फिर ऐसे व्यू की रचना कर दी जिसको न भेद सके कोई उस चक्र व्यू की रचना कर दी। कृष्णा को चाल समझ आई तो अर्जुन को था समझाया कोई ललकारे तो पीछे हटना पार्थ को रास नहीं आया। व्यू की रचना को फिर पांडव होने हार निकट ही दिखती थी आंखों से दूर जीत लगे। फिर कृष्णा की वाणी सुन के युद्ध समर भी हुआ मौन जो चक्रव्यूह को तोड़ सके वो अभिमन्यु के सिवा कौन। जो चक्रव्यूह को तोड़ सके वो अभिमन्यु के सिवा कौन। अर्जुन तथा सुभद्रा का पुत्र है मामाश्री अर्जुन का सामर्थ्य लेकर जन्मा। इस आयु में नारायणी सेना द्वारा बनाया चक्रव्यूह तोड़कर मध्य भाग तक पहुंच जाता है। नाम है अभिमन्यु। अभिमन्यु 16 साल की आयु में वो युद्ध भूमि में तना हुआ इस चक्रव्यूह के भेदन का था भेद गर्भ में सुना हुआ। कुछ तीर चले कुछ भाल चले कुछ सैनिक बन के ढाल चले कुछ गदाधारी का गदा चले फिर भीम भी बन के काल चले। पार कर दिए तीन द्वार फिर मार दिए सैनिक कपार चादर के आगे आते ही पांडव भी दिखते थे लाचार। अभिमन्यु ने पीछे देखा तो अपना कोई दिखा नहीं गंभीर तनिक ना हुआ वीर सास ऐसा कोई टिका नहीं। कभी लड़े एक कभी दो संग कभी एक साथ रक्तों की बहती धार दिखे सब और है दिखते मुन पड़े। फिर दुर्योधन जीत नहीं पाया गुरु द्रोण भी रथ से दूर गिरे जाग्रत दुशासन हार गए वृष्भसेन भी होक चूर गिरे। शकुनि को मृत्यु का डर खाया अश्वत्थामा पानी पाया जब शत्रु दल भयभीत हुआ बंधाल कर्ण सम्मुख आया। यदि घर में मिलते तो उपहार मांगता किंतु समर में मिले हैं इसलिए प्रहार मांगता हूं। मैं पांडु पुत्र अर्जुन तथा यादव कन्या सुभद्रा का पुत्र अभिमन्यु बाबा श्री कृष्ण की गोद में खेला हूं मैं और आज मृत्यु की गोद में खेलने के लिए इस रणभूमि में उपस्थित हूं। तीर की चाल मिले बचने को कहीं का ढाल मिले सब युद्ध समर्थ भयभीत हुआ कर को जैसे काल मिले।
दुर्योधन समझ नहीं पाया जब कर्ण धरा पर चित्त हुआ, जिसको वो बालक समझ रहे वो अर्जुन से पड़ी फित हुआ, किसको तुम सब मिलकर मारो दुर्योधन ने आदेश दिया, सब नियम युद्ध के भूल गया कुछ ऐसा अध्यादेश दिया, एक से मिल के साथ लड़े तो कौन सा ऐसा नाम किया, सारथी को मार के रथ तोड़ा घोड़ों का काम तमाम किया, भूमि पे खड़ा निहत्था वो रथ के पहिए को उठा लिया, सम्मुख न कोई टिक पाया कितनों ने सर भी कटा लिया, दुशासन था अब पीछे से सर पे प्रहार किया, सबने मिल के पाई मारे सीने पे उसके वार किया, भूमि पे खड़ा निहत्था कोई भी ऐसा तीर कहा, सफीर तो कर्ण भी था अभिमन्यु जैसा वीर कहा, अर्जुन सफीर तो कर्ण भी था अभिमन्यु जैसा वीर कहा, दादाश्री काकाश्री मेरे पिता से कहिएगा मैंने उनके नाम पर लाचन नहीं लगने दिया, और तेरी माता से कहिएगा कि मैं मरते समय भी पराजित नहीं हुआ।